Hi guys, this is Ankara from Genealogy Channel. Don't forget to build a personal logical estate. जी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी रांची का मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ आ गया है जी, नॉर्मलाइज कट ऑफ आ गया है। तो देख रहे हैं इसको, यहाँ पे देख सकते हैं आपको मेन लिस्ट है और स्टैंडिंग लिस्ट है, यानी मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ जारी हुआ है। तो मेन लिस्ट को हमने खोला, ये आरआरबी का ऑफिशियल आरआरबी रांची का ऑफिशियल साइट था, इसको हमने खोला तो देखिए यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पोस्ट के नेम दिखा रखे हैं, उसके बाद कट ऑफ दिखा रखे हैं के लिए जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए टेक्नीशियन और ए एल पी का देखा जाए तो 74.5121 है जी जनरल का, और अदर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए PCM का देखना है जी। तो PCM का यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम यहाँ पे तो नहीं दिखा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी, ऐसा रोटेटिंग होगा, रोटेट क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ जी, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको टेक्नीशियन का है जो मेन लिस्ट है, इसके कट ऑफ लिस्ट है। देखिए यहाँ पे 72 है जी, मल्टी स्किल्ड फिटर के हैं 59 है, 23 फिर से रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन का ज़्यादा गया है। सिग्नल है, PCM वाले की बात कर रहे थे तो सिग्नल का 91 एंड 90 गया है, टेलीकॉम का 96 और 93 गया है। और देखिए यहाँ से आप पता चल जाए कि बहुत ही हाई कट ऑफ रखा है, और OH वगैरह का भी कट ऑफ बहुत हाई है, यानी PCM को तो यहाँ पे बहुत ही हाई है। चलिए आगे चलते हैं ALP का देखते हैं जी। तो यहाँ पे ALP का देखते हैं 74 है जी, ALP में भी आपको दो डिवीजन है तो दो दिखा रखे हैं इसने। उसके बाद देखिए कहीं कहीं देखा जाए तो टेक्नीशियन में देखिए आप 75 या 78 है, तो ALP से टेक्नीशियन के भी हाई है। तो जिन लोगों का एक कंसेप्ट है कि टेक्नीशियन का कट ऑफ लो ही रहेगा, देखिए अभी इसमें क्या है जी, मैकेनिक डीजल मैकेनिक्स में हाई है, फिर से यहाँ पे 72 डीजल मैकेनिक्स में हाई है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कितने सीट्स हैं वहाँ पे, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितनों का मेडिकल स्टैंडर्ड में छटना, इस सारे डिपेंड करता है। किसी किसी के टेक्नीशियन का क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है तो उसमें कट ऑफ भी सी बात हाई होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लड़के छट के C1 में जाएंगे। और जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होगा तो वहाँ पे भी जैसे ALP में है तो वहाँ पे भी लड़के छटते हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही सब कुछ फैक्टर डिसाइड करता है, सीट वहाँ का जोन का सीट क्या है, कितने लड़के भरे थे वहाँ पे, कितने लड़कों का ज़्यादा पोस्ट प्रायोरिटी क्या रहा है, तो ये सभी डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये RRB रांची का क्या है जी, मेन लिस्ट है। वैसे चलते हैं एनालिसिस करते हैं RRB रांची का ही स्टैंडिंग लिस्ट का जी, स्टैंडिंग लिस्ट का जो नॉर्मलाइज कट ऑफ आया है उसको देखते हैं। यहाँ पे जस्ट आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, और इसको फिर से क्लॉक वाइज कंट्रोल कर इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने पे यहाँ पे देखिए स्टैंडिंग लिस्ट का वैसे ही आ गया, जनरल SC ST OBC का आ गया, फिर से पोस्ट वाइज जा रहा है आपको तो यहाँ वेटिंग लिस्ट का 69। अब देखिए कुछ लड़कों का डाउट रहता है कि क्या सर मैं हम लोग वेटिंग लिस्ट है तो हम लोग का कन्फर्म होगा। हाँ जी, इस बार याद रखिएगा 1.5 से 2 साल में वेटिंग लिस्ट चलेगा जी, और कन्फर्म होगा ही, क्योंकि जो जूनियर इंजीनियर वाले हैं जो NTPC में जाएंगे उनको तो पक्का है कि ये जॉब छोड़ेंगे ही जॉब। तो BTEC वाले जो कि जूनियर इंजीनियर में जाना चाहेंगे, डिप्लोमा वाले, वो सब जॉब छोड़ेंगे ही। उसके बाद बात आती है कि ALP टेक्नीशियन वाले में जो BTEC वाले गए हैं, डिप्लोमा वाले गए हैं, वो भी जा सकते हैं जूनियर इंजीनियर में, या NTPC में उनका सिलेक्शन हो गया। और ज़्यादातर माने कि NTPC में और जूनियर इंजीनियर में सिलेक्शन, जूनियर इंजीनियर तो पूरा डिप्लोमा और BTEC वालों का ही सिलेक्शन होगा, तो वो तो आपको 14,000 सीट खाली होनी ही है। उसके बाद आती है कि अगर NTPC में जाते हैं तो वो लोग ही खाली करेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कन्फर्म जो ALP और टेक्नीशियन में वेटिंग लिस्ट में है उनको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है जी। हो सकता है मेरा कन्वेंशन गलत भी हो जाए, लेकिन मेरा मानना है, मेरा गेस है यहीं। तो बस चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।